आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। सबसे पहले हम लोगों के बीच में पूर्वांचल सर्विस स्टेशन के एमडी बड़े भाई जनार्दन सिंह जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आवे और परवेज जी इनका माल्यार्पण करके इनका स्वागत अभिनंदन वंदन करें। सागर मौर्या जी, परवेज भाई जरा जल्दी जल्दी रहे, कार्यक्रम शुरू करना है, समय नहीं है। श्री सचिन सेठ जी, सचिन सेठ जी मंच पर आवे। अभी हम लोगों के बीच में उपस्थित रानीपुर ब्लॉक के सम्मानित तकनीकी सहायक इंजीनियर श्री फूलचंद यादव जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आवे। श्री सुभाष चंद जायसवाल रामलीला समिति के उपाध्यक्ष मंच पर आ जाए। डॉक्टर पारसनाथ वर्मा जी, डॉक्टर पारसनाथ यादव जी राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के प्रवक्ता रहे, हम लोगों के गुरु, मंच पर आ जाए। खाकी बाबा कुटी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री अविनाश लाल श्रीवास्तव जी से निवेदन करेंगे कि मंच पर आवे। उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला उपाध्यक्ष पिता तुल्य श्री प्रभुनाथ सिंह जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आवे। अमर बहादुर सिंह जो तिरछी से चल के आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आवे और इनका माल्यार्पण किया जाए। बाल मुकुंद मौर्य पूर्व प्रधान मंच पर आने का कष्ट करें। श्री यशवंत पांडे जी मंच पर आ जाए, माल्यार्पण करके इनका स्वागत अभिनंदन वंदन करें। श्री राम जी पांडे अध्यक्ष रामलीला समिति चिरैया कोट। श्री इश्तियाक कुरैशी पूर्व प्रधान चिरैया कोट, आप मंच पर आवे, आपका स्वागत अभिनंदन वंदन किया जाए। एसकेडी इंटर कॉलेज के प्रबंधक व संस्थापक भाई विजय कुमार सिंह जी से निवेदन करेंगे कि मंच पर आवे और परवेश जी विशेष रूप से विजय सिंह जी का माल्यार्पण करके उनका स्वागत अभिनंदन वंदन कीजिए। भाई विजय कुमार सिंह जी। श्री रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी मंच पर आने की कृपा करें, उनका स्वागत अभिनंदन व वंदन हो। श्री रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी। रानीपुर ब्लॉक ब्राह्मण विकास परिषद के ब्लॉक अध्यक्ष श्री अवधेश तिवारी जी से निवेदन करेंगे कि मंच पर आवे और परवेज जी उनका माल्यार्पण करके स्वागत अभिनंदन व वंदन करें। परवेज जी विजय सिंह जी पीछे खड़े हैं। श्री जयशंकर दुबे जी मंच पर आने की कृपा करें। श्री अनिरुद्ध दुबेजन करेंगे कि श्री साजिद आजमी जी मंच पर उपस्थित हो और परवेज जी उनका माल्यार्पण करके स्वागत अभिनंदन व वंदन करें। अखिलेश पांडे जी सभासद नगर पंचायत चिरैया कोट मंच पर आवे। भाई संजय यादव जी पत्रकार व संचालक, एक संस्था के संचालक भी हैं, मैं निवेदन करूंगा संजय यादव जी मंच पर आवे, उनका स्वागत अभिनंदन व वंदन किया जाए। हम लोगों के बड़े भाई और मार्गदर्शक रहे, हम लोगों को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट ले जाने वाले बड़े भाई संदीप तिवारी उर्फ बबलू जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि मंच पर आवे और उनका माल्यार्पण करके स्वागत अभिनंदन व वंदन किया जाए। एडवोकेट संदीप तिवारी और मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि आप यहाँ हमारा मान सम्मान बढ़ाने, हमें स्नेह देने के लिए जो भी कविगण व कवित्री यहाँ आई हैं, मंत्री जी सबका सम्मान करेंगे, उसके बाद काव्य पाठ शुरू होगा। परवेज जी आप मंत्री जी से सबका सम्मान करवाइए। मैं चाहूंगा सबसे पहले पंडित श्री भूषण त्यागी जी आगे आवे।
पंडित भूषण त्यागी जी, उनका सम्मान करते हुए माननीय श्री यशवंत सिंह जी, एमएलसी विधान परिषद। अब इनके बाद मैं प्रख्यात शायर, अंतर्राष्ट्रीय शायर शादाब आजमी साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं, वो भी उनका भी सम्मान करते हुए हमारे मुख्य अतिथि। आपकी तालियां कमजोर पड़ रही हैं, ये चिरैया कोर्ट की तालियां नहीं है। अब इनके बाद मैं निवेदन करता हूं बिहारी लाल अंबर, जिनके बारे में आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि ये ही हैं या शी हैं, वो भी हमारे दरमियान उपस्थित है, इनका भी सम्मान हो रहा है। कविता का जाना पहचाना नाम, हास्य व्यंग का एक बड़ा नाम बिहारी लाल अंबर का है, इलाहाबाद प्रयागराज संगम से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। इनका भी सम्मान करते हुए हमारे मुख्य अतिथि, आप तालियां बजाइए इनके सम्मान में। अब इनके बाद मैं निवेदन करता हूं गुफरान पैकर जी से, जो गया बिहार से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, हमारे मेहमान कवि हैं, उनका सम्मान हमारे मुख्य अतिथि यशवंत सिंह जी कर रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। ये साहित्य प्रेमी है जो साहित्यकारों का हौसला बढ़ा रहे हैं। अब इसी बीच मैं निवेदन करता हूं प्रतिभा यादव जी कि तशरीफ लाए, उपस्थित हो, और इनका भी स्वागत एवं सम्मान हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा होगा। बलिया से हमारे बीच उपस्थित हुई हैं प्रतिभा यादव जी। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर नसीमा निशा, जो बनारस से हमारे बीच उपस्थित हुई हैं, बड़ी अच्छी कवित्री है। हम मुख्य अतिथि जी से निवेदन करेंगे कि उनका भी सम्मान करके उनका भी हौसला बढ़ाएं। अब मैं निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं शाइस्ता सना जी, जो मंच की दुनिया में बहुत बड़ा नाम, जहां जहां भी हिंदी उर्दू बोली पढ़ी और समझी जाती है, शाइस्ता सना जी की कविताएं वहां वहां गूंजती हैं, उनका भी सम्मान हमारे मुख्य अतिथि यशवंत सिंह जी कर रहे हैं। अब इनके बाद हमारे बीच कलकत्ता से तशरीफ लाई हैं, उपस्थित हुई हैं उरूसा अर्शी साहिबा, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी तशरीफ लाएं, हमारे मुख्य अतिथि यशवंत सिंह जी आपका सम्मान करेंगे, आपकी हौसला अफजाई करेंगे, आपकी तालियां कमजोर ना पड़े। चिरैया कोर्ट के लोग बहुत समझदार है, बताने की जरूरत ना पड़े कि ताली आपको बजाना है। साथियों, इस मुशायरा कवि सम्मेलन का संचालन करने के लिए हमारे बीच बहुत अच्छे संचालक हैं नसीम साज जी, मैं चाहता हूं कि आप तालियां बजा करके उनका उत्साहवर्धन करें और मुख्य अतिथि जी से चाहूंगा उनका माल्य अर्पण करें। हकीम जी यहां पर हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं हकीम बेग साहब से कि वो भी आ जाएं, उनकी भी गुलपोशी होगी। आरिफ नसीम साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, सामाजिक हस्ती। मैं निवेदन करूंगा मुख्य अतिथि जी यशवंत सिंह जी, एमएलसी विधान परिषद, आपका सम्मान कर रहे हैं। और ये क्षण, ये लम्हा बहुत खूबसूरत, एक एक पल इतिहास बन रहा है।